हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हरियाणा में सियासी भूचाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने मिली है। प्रदेश में 2019 से चल रहा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन फिलहाल टूट गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने विधायक मंडल दल की बैठक भी बुला ली है। इतना ही नहीं, जेजेपी के विधायकों में बड़ी टूट भी संभावित है। हरियाणा में नए सिरे से खट्टर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। प्रदेश की राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच पिछले कुछ महीनों से तनातनी चल रही थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेजेपी को दो टूक शब्दों में कह दिया था कि वो सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने विधायकों की बैठक भी बुलाई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जेजेपी के 10 विधायकों में से जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह, रामनिवास और देवेंद्र बबली दिल्ली की बैठक से दूर हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से अर्जुन मुंडा और तरुण चौक पर्यवेक्षक के तौर पर चंडीगढ़ भी पहुंच चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह कई दशक से कांग्रेसी रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह के पाला बदलने के पीछे तीन बड़े कारण बताए गए। पहला ये कि इस बार उन्हें खुद की टिकट का भरोसा नहीं है। दूसरा ये उचाना कलाम विधानसभा सीट, जहां पर 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने ब्रजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता को हराया था, इस बार चौधरी परिवार को उस सीट पर दावेदारी की गारंटी भी नहीं मिली है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के खिलाफ। उन्होंने अक्टूबर 2023 में कहा था कि यदि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जारी रहा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। सूत्र ये कह रहे हैं कि जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मांगी थी और बीजेपी ने एक भी सीट देने से मना कर दिया। बीजेपी अपने दम पर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तैयारी उनकी पहले से थी। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव ही दहलीज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर को बदलने का जोखिम नहीं उठाएगी। अगर दोबारा से सरकार का गठन होता है तो इस स्थिति में खट्टर के मुख्यमंत्री बनाए जाने की ही संभावना है। जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटना, इसके पीछे जाट और गैर जाट वोट बैंक बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी इसी को साधने की कोशिश में। बीजेपी गैर जाटों के वोटों के आधार पर सत्ता में आई थी। मौजूदा हालात में जाट वोट बैंक पूरे तौर पर सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर जाता हुआ नजर आता है। ऐसे में अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहता है तो जाट वोट बैंक में सेंध लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। प्रदेश में जाट वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं। अगर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो उसे गैर जाटों का बड़ा समर्थन हासिल हो सकता है और दूसरी तरफ जाट वोटर कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो में विभाजित हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की बात कही है। गठबंधन टूटने के साथ ही सीएम खट्टर का इस्तीफा भी आ जाता है और हरियाणा की सियासत में जिस तरीके से बीजेपी ने गैर जाट और जाट जो है वोटर्स को उन्हें विभाजित करते हुए एक रणनीति पर यह पूरा काम किया है, देखना यह है कि अब और कौन सा बड़ा कदम यहां पर उठाते दिखाई पड़ते हैं बीजेपी और बीजेपी के लोग, और खास तौर से जब जेजेपी से गठबंधन टूट चुका है तो फिर कैसे। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर फिर से शपथ लेते दिखाई पड़ेंगे। अब उस स्ट्रैटेजी पर कैसे काम होगा, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कई बीजेपी के जो विधायक हैं वो दिल्ली हैं, जेजेपी के कई सारे विधायक हैं जो दिल्ली हैं, और कई ऐसे भी हैं जो जेजेपी की बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। क्या गेम है, कैसी रणनीति है, ये सब आपको हम बताते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।